ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को तगड़ा झटका दिया है। अदालत ने कहा कि यह अस्थायी आदेश है कि मायावती को लखनऊ नोएडा में अपनी और पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्ति बनवाने के लिए इस्तेमाल किया गया जनता के पैसों को सरकारी खजाने में लौटाना होगा। यह आदेश अदालत ने एक वकील की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें कहा गया था कि जनता के पैसों का इस्तेमाल अपनी मूर्ति या राजनीतिक पार्टी के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हमारा स्थायी तौर पर यह मानना है कि मायावती को अपनी मूर्ति और पार्टी के चिन्ह पर खर्च किए गए जनता के पैसों को सरकारी खजाने में वापस करना होगा। इस पीठ में जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना भी शामिल थे। इस मामले की अंतिम सुनवाई 2 अप्रैल रखी गई है। बेंच ने इस बात को साफ कर दिया है कि उसने प्रथम दृष्टि अपना मत रखा है क्योंकि इस मामले की सुनवाई में अभी वक्त लगेगा। पीठ ने कहा कि हम इस मामले पर अंतिम निर्णय 2 अप्रैल को लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में साल 2009 में रवि कांत और अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि मायावती को मूर्तियों पर खर्च सभी पैसे को सरकारी खजाने में वापस करना होगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मायावती के वकील से कहा कि अपने मुवक्किल से कह दीजिए कि वह मूर्तियों पर खर्च हुए पैसों को सरकारी खजाने में जमा कर दे। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित पार्क और मूर्तियों पर कुल 5,919 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।